आप सब की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट ब्रेड का डेजर्ट या फिर रस मलाई, जिसे बनाने में आपको कम से कम मेहनत और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, लेकिन टेस्ट में होगी 100% परफेक्ट विद सैटिस्फैक्शन गारंटीड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंस्टेंट ब्रेड का डेजर्ट या फिर रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम लेंगे 2 कप दूध। अच्छा, दूध आप फुल फैट, लो फैट कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आज लो फैट ही यूज कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी हम इसको गाढ़ा करने वाले हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे, फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और फिर इसको और पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये गाढ़ा होना ना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो करीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप शक्कर। आप चाहे तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी मतलब आधे लीटर दूध के लिए इतनी परफेक्ट हो जाती है। और शक्कर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं कलर और फ्लेवरिंग के लिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कढ़ाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए, जब तक ये दूध थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए, शक्कर अच्छे से घुल मिल ना जाए और इलायची अपना फ्लेवर ना छोड़ दे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ जब तक हम बढ़िया सा एक मिक्सचर बना लेते हैं कस्टर्ड का। तो ये देखिए अच्छे से कर रहा है। तो साइड में यहाँ पे बोल में मैंने लिया है बस 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस 1 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर्ड का कस्टर्ड पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध, यानी कि करीबन 4 टेबलस्पून। ये रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज का दूध आप ले सकते हैं। और इसको मिक्स करते जाइए, इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है। इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से जो हमारा दूध है ना बढ़िया से गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये देखिए दूध भी हमारा अच्छे से कड़ गया और साइड में जो भी मलाई आएगी ना आप उसको दूध में ऐड करते जाइए। और अब क्या करेंगे, इस कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। तो लगातार मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना क्या होगा ना ये अचानक एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। तो जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना इसको मिक्स करते जाइए जब तक ये स्मूथ और गाढ़ा घोल तैयार ना हो जाए। तो ये देखिए पूरा कस्टर्ड का घोल मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद हमें इसको पकाना है और 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ करीबन 3 मिनट के बाद। ये देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कस्टर्ड नहीं बना देना है। मैं आपको इसके बैक ऑफ द स्पून से दिखाती हूँ, पतला है लेकिन तभी भी हल्की सी कोटिंग कंसिस्टेंसी। तो बस जब इस कंसिस्टेंसी पे इस स्टेज पे आ जाएंगे आप इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने करीबन 7 से 8 ब्रेड स्लाइसेस लिए, इसके जो कॉर्नर्स हैं ना हम काट देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो रसमलाई ये बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा फ्रेंड्स, कोशिश करके सबसे फ्रेश और एकदम ताज़ी ब्रेड यूज़ कीजिएगा, उसकी वजह से जो आपका डेजर्ट है ना बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। वरना अगर आप पुरानी ब्रेड या फिर फ्रिज की ब्रेड लेंगे ना तो वो थोड़ा सा ड्राईपन लगता है, उसमें ड्राइनेस लगती है। तो कोशिश करके एकदम ताज़ी ताज़ी यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए सारे ब्रेड स्लाइसेस रेडी है विदाउट द कॉर्नर्स। अब इसकी स्टफिंग के लिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सी मलाई, यानी कि रबड़ी, क्योंकि डायरेक्टली हम ब्रेड तो उसमें नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया है करीबन 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप चाहें तो इसके बदले नारियल का बुरादा या फिर फ्रेश खोया भी अगर आपको मिलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमको डालना है फ्रेश मलाई या फिर क्रीम या फिर शक्कर, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना एकदम शॉर्टकट मार रही हूँ। जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के रखा था ना मलाई, वही मैं 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। उससे क्या होगा, ये जो मलाई है ना हमारी मीठी भी हो जाएगी, तो अलग से मलाई और शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा फटाफट हमारी मलाई तैयार हो जाएगी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी फटाफट हमारी रबड़ी तैयार हो गई शॉर्टकट तरीके से। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है आप दूध से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा अंदर का जो रबड़ी है वो तैयार हो गया। तो अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर ये स्प्रेड आउट कर देंगे जो मलाई हमने अभी तैयार की थी। इन अ वे ये रबड़ी है, इससे क्या होगा ना बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलेगा ब्रेड को और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगी हमारी रसमलाई। और फिर इसमें एक्स्ट्रा रिचनेस ऐड करने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता और बादाम। और फिर इसको ऊपर वाली ब्रेड स्लाइस से ऐसे ढक देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि वो उसमें चिपक जाए और अलग अलग ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसको काटूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर्स में काट सकते हैं, राउंडल्स में काट सकते हैं, लेकिन राउंडल्स में क्या होता है ना ब्रेड काफ़ी वेस्ट हो जाती है। तो मैं आज इसको पूरा यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ उसको ट्रायंगल्स में। तो ऐसे 4 ट्रायंगल्स कट कर लीजिए। ये देखिए सारे स्टफिंग के साथ रेडी हो गए और इसी तरह से ना सारे ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 1/2 कप फ्रिज का दूध।
अब हम क्या करेंगे ना, एक एक ब्रेड स्लाइस उठाते जाएंगे और इसको डिप करेंगे इस दूध के अंदर। इससे क्या होगा ना, ब्रेड में अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा और ना बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगाना है कि पूरी गीली ही हो जाए, बस इतना कि उसमें अच्छा सा मॉइस्चर रिटेन हो जाए, सोख ले वो दूध को, इतना हमको चारों तरफ से उसको कोटिंग करनी है ताकि वो ड्राई ड्राई सा ना लगे। तो ऐसे डिप डिप करके, और इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ इस सर्विंग प्लेट के ऊपर। यहाँ पे मैंने ये राउंड वाली बेकिंग डिश ली है, इसमें मैं आज सर्व कर रही हूँ। आप जिसमें भी सर्व करें उसमें ये रखते जाइए। तो इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, एक के बाद हम ऐसे प्लेस करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने काफ़ी सारी रसमलाई बनाई जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ऑथेंटिक रसमलाई मैंने बनाई है, अंगूरी रसमलाई बनाई है, वो सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो सारे ट्रायंगल्स मैंने प्लेस कर दिए और अब ऊपर से डालेंगे ये बढ़िया क्रीमी रबड़ीदार दूध जिसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये पूरा पोर कर दीजिए। सुपर्ब, आप देख सकते हैं इसका जो क्रीमीनेस है, इसका जो टेक्सचर है, अच्छे से सारे तरफ कोट कर लीजिए ताकि वो अच्छे से ढक जाए इससे। तो ये हमारी तैयार हो जाएगी इंस्टेंट डेजर्ट या फिर इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई में अच्छे लगते हैं ना दिल से, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपसे कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो। देखिए, सब पे मैंने पोर कर दिया, एकदम अच्छे से लटपट गई है ये रस के साथ, पूरी कोट हो गई है। तो लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं उससे, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी क्यों नहीं डाले जाए। तो ड्राई फ्रूट्स में से सेंटर में डालती जा रही हूँ, और आप चाहें तो थोड़ा केसर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, देखते ही देखते 15 मिनट में आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने बनाया ब्रेड से ये इंस्टेंट डेजर्ट तैयार हो गया। कभी अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए या फिर किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो आप ये झटपट डेजर्ट बना सकते हैं। तो बस अब बहुत हुआ इंतज़ार, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके टेक्सचर को देखिए आप, कितनी सॉफ्ट जूसी, आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा, आपको तो इसको मनाने का पक्का ही मन करेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे बताइएगा कैसी लगी। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।